कर्नाटक में 12 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज 11 प्रत्याशियों की दूसरी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में जहां सीएम सिद्धरमैया को बादामी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं पुरानी लिस्ट के 6 प्रत्याशियों को बदलकर उनके स्थान पर नए नामों की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने इससे पहले 218 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। कर्नाटक का रण जीतने के लिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, इसीलिए तो पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को मौका दे रही है जो उन्हें जीत दिला सके। इसी को देखते हुए पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट के 6 नामों को बदलकर आज 11 प्रत्याशियों की दूसरी और आखिरी लिस्ट जारी की। रविवार को जारी किए गए 11 नामों में सिर्फ 5 नए नाम है, बाकी 6 बदले हुए उम्मीदवार है। नए नामों में किट्टूर से डॉक्टर बी इनामदार, नागथेन सीट से विट्ठल डी कटक धूंड, सिंदकी सीट से मल्लना निगना सली, रायचूर से सैयद यासीन, शांतिनगर से एनए हरीश को टिकट दिया गया है। इनके अलावा बादामी सीट से डॉक्टर देवराज का टिकट काटकर सिद्धरमैया को दिया गया है। इसी के साथ ही सिद्धरमैया के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस भी खत्म हो गया। आपको बता दें कि सीएम सिद्धरमैया चामुंडेश्वरी के लिए पहले ही पर्चा दाखिल कर चुके हैं। इस सीट के लिए अब वो 24 मई को नामांकन भरेंगे। वहीं जिन लोगों के नाम बदले हैं उनमें जगलपुर से एएल पुष्पा को हटाकर एचपी राजेश, तिप्तूर सीट से बी नंजामारी को हटाकर केशद केशरी, मल्लेश्वरम से एमआर शीतराम की जगह अब केंगल श्रीपदा रेणु को टिकट दिया गया है। वहीं पद्मनाभनगर से बी गुरुप्पा नायडू के स्थान पर एम श्रीनिवास, वहीं मडिकेरी से एचएस चंद्रमौली की जगह केपी चंद्रकला को टिकट दिया गया है। दरअसल एचएस चंद्रमौली पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के वकील है। ऐसे में पार्टी चुनाव से पहले कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती, लिहाजा उसने चंद्रमौली का टिकट काट दिया। आपको बता दें कि विधानसभा के लिए राज्य में 12 मई को मतदान होगा, जिसके नतीजे 15 मई को घोषित होंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।